बरसाती बाबा की जय। बाबा जी, आज हमारा पहला सवाल आपसे है। एक तरफ जहां धर्म के नाम पर तरह तरह के बाबा अपने विचारों का प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि आम लोगों का विश्वास बाबाओं के प्रति कम होता जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब किसी चीज की अधिकता हो जाती है तो उसका महत्व कम हो जाता है। बाबा जी, अब हमारा आपसे दूसरा सवाल। हमारी मीडिया पर आरोप लगता है कि वो बिकाऊ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? खरीददार जब हैं, तो बिकने में क्या बुराई है? बाबा जी, अब तीसरा सवाल। देश में 33% जनता का समर्थन पाने वाली पार्टी सरकार बनाती है, वहीं 67% जनता विपक्षी बनकर सरकार की हर बात मानने पर मजबूर होती है। बाबा जी, ऐसे लोकतंत्र के बारे में आप क्या कहेंगे? आज जरूरत है शुद्ध भारतीय बनने की, तरह तरह की पार्टियों की भक्ति से दूर निष्पक्ष रहने की। सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी, अब हमारी तरफ से आपके लिए चौथा सवाल। फिल्मी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है, ड्रग्स स्कैंडल में बड़े बड़े कलाकार पकड़े जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक को आईना दिखाने वालों को जरूरत है आज खुद को आईना देखने की। बाबा जी, आज का पांचवा सवाल। जैसा कि आपको भी मालूम होगा, 21वीं शताब्दी के दो महाशक्तिशाली देश भारत और चीन के बीच तनातनी चल रही है, सीमा पर युद्ध जैसे हालात हैं, देश में युद्ध को लेकर आशंका बनी हुई है, ऐसे में आप बताइए युद्ध होगा या नहीं? नहीं होगा। अब हमारा छठा सवाल। आपको मालूम होगा बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए मशहूर है, आजकल मीडिया में उसको लेकर चर्चाएं गर्म है। ऐसे ही गर्मा गर्म माहौल में कंगना रनौत की एक प्रॉपर्टी तोड़ दी गई, ऐसी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? पुरुषों की बराबरी करना है तो इतना नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। बाबा जी, आज का सातवां सवाल है। आजकल आप देख ही रहे हैं, देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, लोगों में कोरोना के प्रति सावधानी और सतर्कता का भाव देखा जा रहा है, फिर भी कोरोना से परेशानी बढ़ती जा रही है, ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? देश के सारे लोग मान लें कि कोरोना है तो कोरोना खुद ही भाग जाएगा। बाबा जी, आज का हमारा आठवां सवाल है। आजकल युवक और युवतियां अक्सर प्रेम प्रसंग में पढ़कर अपने मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं, और फिर एक दिन कुछ युवक युवतियां अपनी प्रेम प्रसंग की अधूरी कहानी देखकर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जीवन ही प्रेम है, लेकिन प्रेम ही जीवन नहीं है। बाबा जी, अब आज का नौवां सवाल। एक अच्छी सरकार की निशानी क्या है? जिस सरकार में बच्चे खुशहाल हों, महिलाएं खुद को पुरुषों के बराबर समझें, बुजुर्ग खुद को सम्मानित महसूस करें, किसान भूखा ना सोए, समझो वही सरकार अच्छी है। अब हमारा अंतिम सवाल। बाबा जी, देखने में आ रहा है कि आजकल मूर्तियों की होड़ में भगवान श्री राम की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की जा रही है, इस होड़ के बारे में आप क्या कहेंगे? जब भगवान श्री राम अंतःकरण में विराजमान हो तो 250 फीट की मूर्ति लगे या 500 फीट की मूर्ति लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा जी, आपके सारे जवाबों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मैं आपके बारे में एक बात पूछना चाहता हूँ, बुरा मत मानिएगा। बाबा जी, आप ये लड़कियों का दुपट्टा क्यों पहनते हैं? आप पत्रकारों की यही बीमारी है, दरवाजे पर बिठाओ तो किचन झांकने लगते हैं। बाबा जी, पत्रकार होने के नाते उत्सुकतावश ये बात पूछ ली, क्षमा चाहता हूँ। बरसाती बाबा की जय।